हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हे, आई एम पल्लवी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल प्रवीण पल्लवी। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो कॉट सेट हॉल। आप में से बहुत लोगों ने ना मुझे कमेंट्स भी किया था कि कॉट सेट हॉल कीजिए। तो समर सीजन में ना कॉट सेट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। मीशो के कॉट सेट्स की तो बात ही कुछ अलग है। तो इसमें इतनी अफोर्डेबल प्राइस में इतना सुंदर सुंदर कॉट सेट्स मिलता है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं भी इसको ट्राई करके देखती हूँ। ऑल्सो गाइज, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर इज माई इंस्टाग्राम आईडी। मैं वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ, तो गो एंड चेक इट आउट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे कॉर्सेट्स मुझे मिले हैं एंड क्या ये वर्थ इट है और क्या इसको हम पहन सकते हैं समर्स में। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद दिस कॉर्सेट जो कि मैंने अभी पहन रखा है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल कॉर्सेट है। तो इसके साथ आपको एक टॉप एंड एक पैंट मिल जाता है। सो जैसा टॉप है, जैसा प्रिंट टॉप में किया गया है, एग्जैक्ट वैसा ही प्रिंट ना पैंट में भी किया गया है। पैंट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इलास्टिक दिया गया है एंड ये जो पूरा कॉट सेट है ना वो कॉटन में है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों को कॉटन के कपड़े चाहिए होता है। कॉटन, रेयन, ये सब चलता है समर्स में। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसमें आई थिंक साइज परचेज किया था एम, सो दिस इज़ थोड़ा सा ढीला। हाँ, मैंने इसमें एम साइज परचेज किया था। तो ये ना थोड़ा सा ओवरसाइज टाइप लुक देता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। समर में ऐसे ना लूज फिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, सो दिस इज़ परफेक्ट। मुझे इतना पसंद आया है, इसका कलर कॉम्बिनेशन एंड प्रिंट वगैरह सब कुछ सही था एंड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है ये। तो गाइज, इसको डेफिनेटली आप लोग ट्राई करना। यहाँ का जो पैटर्न है ना टॉप का, ऊपर का, ये थोड़ा सा हाई लो पैटर्न में है। सामने का जो है वो थोड़ा सा हाई पैटर्न में है, पीछे का जो है वो थोड़ा सा लो पैटर्न में है। आई डोंट नो कि कितना समझ आ रहा होगा, बट ये कुछ इस तरह से है एंड ये फुल स्लीव है। बहुत ज़्यादा प्रीटी है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसको आप कहीं भी पहन के जा सकते हो, लाइक कॉलेज, ऑफिस वगैरह, या तो आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तब भी पहन सकते हो। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो गाइस, चलो हमारा नेक्स्ट कॉट सेट देखते हैं जो कि एक बहुत ही प्यारा सा कलर में है। कुछ एक शर्ट काइंड ऑफ ये कॉट सेट है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है। इसका जो प्रिंट किया गया है बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये भी मल्टी कलर में है, आप देख सकते हो। कलर इसका बहुत ज़्यादा सुंदर है, पेस्टल कलर्स में है ये वाला। तो इसको ना, इसमें ना आपको एक शर्ट एंड एक पैंट मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीटी है। तो मैंने, आप देख सकते हो, पैंट मैं दिखा देती हूँ पहले। कुछ इस तरह से इलास्टिक दिया गया है एंड साथ में ना पैंट का एक दो तरफ से पॉकेट भी दिया गया है जो कि अच्छा होता है पॉकेट्स। एंड जो ऊपर का पार्ट है ना वो कुछ इस तरह से शर्ट टाइप में है, आप देख सकते हो। लेने के बाद ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हो आप एज़ यूजुअल। तो इसका भी साइज़ मैंने एम साइज़ में परचेज किया, अच्छे से फिट भी आया है। थोड़ा सा लूज फिट मुझे अच्छा लगता है ऐसे कॉट सेट्स में, तो दैट्स वाई मैंने एम साइज़ परचेज किया है एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका जो फैब्रिक है ना वो रेयन में है आई थिंक एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसको आप इजीली समर में पहन सकते हो। सो ये भी अपना कॉलेज, ऑफिस वगैरह, या तो कहीं घूमने जा रहे हो ना तब भी पहन सकते हो। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। तो आप यहाँ पर लुक देख सकते हो और बताना मुझे कि कैसा लगा। एंड गाइस, अगर नॉइस आ रहा है ना थोड़ा सा, तो वो प्लीज़ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि पंखा चल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पंखे के बिना तो शूट करना इम्पॉसिबल सा है। सो दैट्स वाई मैंने पंखा चलाया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको साउंड आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलो हम देखते हैं हमारा तीसरा कॉट सेट जो कि आप बता सकते हो एक स्कर्ट एंड एक टॉप का कॉट सेट है। तो ये है स्कर्ट, आप देख सकते हो कितनी प्रीटी, एक बहुत ही सुंदर पर्पल कलर का एक स्कर्ट है, बहुत क्यूट है, मुझे काफ़ी पसंद आया स्कर्ट। इसके साथ मुझे एक टॉप रिसीव हुआ है, मैं दिखा देती हूँ टॉप, विच वन इज़ दिस। बट इसका जो टॉप का जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा थिक फैब्रिक है, ये हम समर में नहीं पहन सकते बिल्कुल भी। तो ये विंटर के लिए ठीक है बट समर के लिए दिस इज़ वेरी बैड। बहुत ज़्यादा थिक वाला फैब्रिक है इसका। मैंने इसमें भी साइज़ परचेज किया है एम। तो ये जो ओवरऑल लुक था ना इस टॉप के साथ, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था स्कर्ट का। तो मैंने कुछ और टॉप के साथ भी ट्राई करके देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये जो टॉप है वो पसंद नहीं आया उतना। सो आप लोग अगर ये कॉट सेट लेना चाहते हो तो फिर आप इस स्कर्ट को किसी दूसरे टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड स्कर्ट का फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये पॉलिएस्टर फैब्रिक में है बट ये काफ़ी कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा फ्लोई मटेरियल है। सो काफ़ी अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आ रहा था, मुझे काफ़ी पसंद आया, कलर भी बहुत सुंदर है। बट टॉप का जो फैब्रिक का इशू हुआ मुझे,
टॉप का फैब्रिक बहुत ज़्यादा ठीक है, इसको हम समर में बिल्कुल नहीं पहन सकते गाइज। तो इसमें भी मैंने साइज लिया है एम, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अगर आप लोग लेना चाहते हो ना तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉट सेट। हमारा नेक्स्ट जो कॉट सेट है ना वो है ये वाला, आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी पॉपुलर है आई थिंक मीशो पे, इसका मैंने बहुत बार देखा था मैंने इस कॉट सेट को, तो मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे इसको मंगवाना ही पड़ेगा। एक शर्ट एंड क्रॉप शर्ट एंड एक पैंट का कॉट सेट आप देख सकते हो। तो पहनने के बाद काफ़ी क्यूट लगता है। इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा क्या फैब्रिक बोलते हैं इसको आई रियली डोंट नो, बट काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इसको इजीली समर में पहन सकते हो। इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड पहनने के बाद भी लुक काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इसको भी आप ऑफिस कॉलेज वगैरह कहीं पर भी पहनना चाहो ना पहन सकते हो, बहुत ही प्रिटी सा लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। मैंने इसमें भी साइज सेम ही लिया था तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट फिट था इसका। इसमें कलर्स ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, बट ये व्हाइट कलर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। सो पहनने के बाद भी ये व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को ट्राई करना है यही वाला कलर ट्राई कर लेना, बहुत प्रिटी लगेगा। सो चलिए अभी हमारे नेक्स्ट कॉट सेट देखते हैं। सो गाइज मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इस बार ना मेरे साथ स्कैम हुआ है मीशो से, ठीक है। मैंने एक कॉट सेट ऑर्डर किया था कुछ ये वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर, और मुझे रिसीव क्या हुआ है वो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। मुझे रिसीव हुआ है ये कुछ, मैंने अभी तक पूरा पैकेट खोला भी नहीं है, मुझे देखते ही थोड़ा सा देखते ही पता चल गया था कि ये कुछ दूसरा है मुझे रिसीव हुआ है, तो दैट्स वाई मैंने अभी तक खोला भी नहीं है पूरा पैकेज। मैंने सोचा कि वीडियो पे ही खोल लूँगी, तो मैं दिखा देती हूँ क्या है इसके अंदर। मुझे लग रहा है कि ये कुछ साड़ी है, ठीक है, कुछ एक पुराना सा कुछ साड़ी वगैरह होगा जो कि बिल्कुल ख़राब सा, दिखा देती हूँ। सो ये आप देख सकते हो क्या ये रिसीव हुआ है मुझे। सो ऐसा ना मीशो में होता रहता है। मैंने सोचा कि साथ मैंने उसी दिन सोचा था कि रिटर्न पे डाल दूँगी, बट मैंने सोचा कि वीडियो ले लूँगी उसके बाद मैं रिटर्न पे डाल दूँगी, तो कुछ ये रिसीव हुआ है आप देख सकते हो। ये एक साड़ी है, मतलब बिल्कुल घटिया सा साड़ी है। अभी क्या है ना मीशो पे ऐसे ट्रांसपेरेंट पैकेजेस स्टार्ट कर दिया है, बट जब भी ऐसा कुछ पैकेजिंग आता है ना तब भी जाके प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। बट क्योंकि ऐसे पैकेजिंग में हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आए है, बट ऐसे पैकेजिंग में हम लोगों को नहीं पता चलता है, तो दैट्स वाई यहीं पे गड़बड़ होती है अभी। सो ये तो मुझे रिटर्न पे डालना होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट टू पे, पार्ट टू अगर कॉट सेट आप लोग देखना चाहते हो ना तो बता देना मुझे, उसमें मैं ये वाला इंक्लूड कर दूँगी फिर से। तो ठीक है कोई इशू नहीं है, होता रहता है, तो मैं इसको रिटर्न पर डाल दूँगी। अभी चलिए हमारे नेक्स्ट कॉट सेट देखते हैं, विच वन इज़ वेरी प्रिटी। मैंने इसको मिंत्रा पे भी देखा था, मिंत्रा पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस था इसका, बट ये मुझे मीशो पे बहुत कम प्राइस में मिल गया है। सो दिस इज़ द कॉट सेट। तो ये है पैंट एंड टॉप, वन सेकेंड मैंने टॉप कहाँ रख दिया है, ओके एंड ये है टॉप देख सकते हो। को आई थिंक उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देख सकते हो। एंड पहनने के बाद ये जो इतना प्यारा सा लुक दे रहा था ना, इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन में है ना, बहुत बहुत अच्छा वाला फैब्रिक है एंड लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसको पहन के। समर के लिए ना ये आप ना आँख बंद करके ले सकते हो, इतना ज़्यादा अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत सुंदर सा लुक भी देता है गाइस। ये आई थिंक 400 के आसपास में मुझे मिल गया है। मैं तो सारी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छा है, क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है एंड पहनने के बाद भी लुक बहुत अच्छा आता है। सो मैं ना हाईली रिकमेंडेशन करती हूँ उसको, ठीक है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो दिस इज़ वेरी नाइस। चलो अभी हमारे नेक्स्ट कॉट सेट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कॉट सेट है ना भी एक बहुत ज़्यादा प्रिटी कॉट सेट है, आप देख सकते हो कुछ ये है। तो आप देख सकते हो ये एक शॉर्ट क्रॉप शर्ट है एंड इसके साथ आपको एक पैंट मिलता है। इसका कलर प्रिंट वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, एकदम परफेक्ट है। इसका जो फैब्रिक है ना वो है आई थिंक पॉलिएस्टर फैब्रिक, बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड ये मैंने साइज़ में लिया है। इसको भी मैंने एम साइज में ही परचेस किया था। वेरी ब्यूटीफुल, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक दे रहा था। तो इसको आप पहन के कहीं पर जाओगे ना तो मतलब लोग तो आपको कम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है, सो मस्ट हैव, इसको आप ट्राई करके देखना। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है समर के लिए, मतलब ये पॉलिएस्टर फैब्रिक है बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलो अभी हमारे नेक्स्ट कॉट सेट देखते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन। तो चलो लास्ट वाला कॉट सेट जो है वो मैं दिखाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। ये कियारा आडवाणी वाला कॉट सेट है जो कि काफ़ी वायरल, काफ़ी पॉपुलर है। सो दिस इज़ द वन, आप देख सकते हो
ये कलर इतना प्रिटी है। ये जो है ना, ये प्योर कॉटन वाला मुझे कॉर्सेट रिसीव हुआ है। प्योर कॉटन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस, दिस इज़ वेरी प्रिटी। तो इसमें क्या हुआ था ना, इसमें जब भी मैं लेना चाह रही थी ये वाला, किसी भी सेलर के पास ना साइजेस अवेलेबल नहीं थे। तो बड़े बड़े साइजेस थे लाइक XL, XXL। तो मैंने सोचा कि इसको तो मुझे लेना ही है, तो मैं ना इसको XL में ही ऑर्डर कर लिया। तो पहनने के बाद उतना भी कुछ ख़राब नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा ही लग रहा था। ऐसा ओवर साइज वाला लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी, एग्जैक्टली जैसा फोटो में दिखाया जाता है ना। इसका फैब्रिक कॉटन में है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, समर के लिए तो परफेक्ट है। इसको तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना ही चाहिए, समर के लिए परफेक्ट 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 है। इसका प्रिंट जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पूरे ऑल ओवर कॉर्सेट पे जो प्रिंट किया गया है बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो आप देख सकते हो बहुत सुंदर है। इसका जो स्लीव मुझे बहुत लॉन्ग आ रहा है एंड नीचे से तो ना थोड़ा सा फ्लेयर है। एंड पैंट कुछ इस तरह से है, प्लाजो पैंट है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ढीला ढाला सा पैंट है। तो मैंने वैसे भी साइज़ XL लिया है, तो ये थोड़ा सा मेरे ऊपर लूज़ तो होगा ही ओबियसली था, बट मुझे अच्छा लगा। अगर अभी साइज़ मिलेगा तो मैं एक्सचेंज कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं इसी को रख दूँगी, कोई मुझे इशू नहीं है। मैं चाहे तो इसको ऑल्टरेशन कर सकती हूँ। अभी आई थिंक आपको साइजेस भी मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर लेना। अगर मुझे भी साइजेस मिल जाए तो मैं भी इसको एक्सचेंज कर लूँगी। तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रिटी है। पहनने के बाद कैमरे पे आई डोंट नो कि मतलब कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट इन रियल में कलर बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है कलर। आपको तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो गाइस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। यही था आज का मेरा कलेक्शन, कैसा लगा आप लोगों को जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर इज माई इंस्टाग्राम आई डी। दैट्स इट, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन केयर एंड बाय।